टीएस सिंहदेव के परिवार की ओर से उनको चुनौती मिलने लगी है। टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री, उनके फैमिली ने कहा है कि मुख्यमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा और विजन वाले नेता तो टीएस सिंहदेव ही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अब दंगल में हम चर्चा करेंगे। ये जो वोटिंग पैटर्न है वो क्या बताता है, किसकी बनेगी सरकार, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश की? अगर हम बात करें 230 सीटों के लिए अगले एक घंटे और बाकी है, एमपी में वोटिंग चल रही है, बढ़ चढ़कर लोग कतारों में खड़े हुए हैं क्योंकि आखिरी एक घंटे का यह मतदान है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन पुनावाला जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रशीद केतवाई जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह आज इन्होंने वोट भी डाला है मध्य प्रदेश में, चेहरे पर मुस्कान लिए। आशुतोष हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन के शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, छत्तीसगढ़ में मतदान समाप्त हो चुका है और बड़े आत्मविश्वास से लबरेज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोल रहे हैं अब की बार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, उनके बयान पर क्या कहेंगे आप? चित्रा जी, मुझे आश्चर्य है कि अभी वोटिंग पूरा नहीं हुआ, उसके पहले ही छत्तीसगढ़ के अंदर में मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई छिड़ गई। इससे आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई कोई आज की लड़ाई थोड़ी ना है। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में ये तो लड़ाई पिछले कई सालों से चल रही है और इसके घात प्रतिघात जो है वो पूरे चुनाव के दौरान देखने को भी मिले। अंबिकापुर क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में जिस ढंग से वहां पर अभी पहले चरण में जो चुनाव हुआ है उसका ही यदि आप आकलन कर ले तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, ये वो क्षेत्र था जिस क्षेत्र में हमें पिछली बार एक सीट भी नहीं मिली थी। लेकिन आज सारे सर्वे हो या जो भी हमारा जो फीडबैक है वो दिखला रहा है कि वहां पर, और स्वयं टीएस सिंहदेव ने माना है कि यहां पर कांटे की टक्कर है भाजपा के साथ में, जहां हमारी एक सीट नहीं थी, तो आप इससे समझ सकते हैं। और अभी अभी जो है आपने देखा टीएस सिंहदेव के परिवार से जो है फिर उसी तरह की बातें आनी क्रिएट हो गई, तो ये आज थोड़ी ना थी, ये तो अंदर हराने की भी कोशिश हुई पूरी तरह से। और वो चिड़ मैंने टीएस सिंहदेव जिन्होंने ये कहा कि मैं घोषणा पत्र समिति का चेयरमैन सब भी नहीं लूंगा, इसलिए नहीं बनूंगा, लोगों ने आपके मीडिया के लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं लूंगा कि पिछली बार में था और पिछली बार था तब एक भी वादे हमने पूरे नहीं किए, 39 वादे थे, 17 वादे पर तो हमने थोड़ा बहुत काम भी किया, 19 वादों को तो हमने छुआ भी नहीं, तो मैं किस मुंह से जनता के सामने जाऊंगा, इसलिए बोले मैं घोषणा पत्र समिति का चेयरमैन भी नहीं बनने वाला इस बार। ठीक है, तो ये तो हालत है वहां पर। भूपेश बघेल क्या है, कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस कुर्सी के लिए अंदरूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन कम से कम कुर्सी के लिए लड़ाई शुरू तो हो चुकी है, इससे दिखाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की जा रही है। के शर्मा जी, आप आगे जवाब दीजिएगा इस पर। जी, ये चल रही थी, आप ये कह रहे हैं कि ये चल रही थी। आपके पास आते हुए तहसीन पुनावाला, ये किस्सा कुर्सी का जो कांग्रेस छत्तीसगढ़ का है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स का बड़ी तादाद में निकलना और मतदान करने के लिए जाना किसके लिए खतरे की घंटी है? तहसीन पुनावाला जी। चित्रा जी, थैंक यू, आपके शो में मुझे दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला। और मैं आपसे को बता दूं कि मध्य प्रदेश में तब्दीली आ रही है, जो मौजूदा हुकूमत है वो जा रही है और कमलनाथ बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं 3 दिसंबर के बाद। तो जब मैं आज तक के स्टूडियो में आऊंगा, प्लीज आप इंदौर से पोहा ले आना, हम पोहा पे सेलिब्रेट करें, एटलीस्ट मैं करूंगा कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आ रही है। और ये देखिए, कांग्रेस के पास इतने सारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है और भाजपा किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर पाता, वहां पे माननीय प्रधानमंत्री को आके कहना पड़ता है आप मेरे लिए वोट दीजिए, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पर छोड़ के मुख्यमंत्री बनने वाले, तो जिनके पास मुख्यमंत्री ने हो वो दूसरों को कह रहे आपके पास इतने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है, डिसएडवांटेज है। ये तो एडवांटेज ही एडवांटेज हुआ कि इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं और आपकी यानी कि भाजपा की पार्टी टैलेंटलेस पार्टी है कि आपको माननीय प्रधानमंत्री पे निर्भर होना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में बड़ी तब्दीली आने वाली है, 72% वोटिंग क्रॉस होगा, ऑलरेडी 60% क्रॉस हो गया था, और एक बड़ी तब्दीली के बाद कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे 135 सीट्स प्लस। मैं शुरुआत से आपके शो पे कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं और 3 दिसंबर को मैं आपको बताऊंगा 135 प्लस कांग्रेस। ठीक है, कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश आपकी ओर से भी की जा रही है, आप किसके कॉन्फिडेंस में ज्यादा दम है के शर्मा जी, या फिर आपके इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास आते हुए रशीद केतवाई जी बोल लीजिए, के शर्मा जी आप बोल लीजिए, केतवाई साहब उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। नहीं बोलिए। नहीं, मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है एक राजनीतिक
वो बैठे हैं विश्लेषक, वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इतने कांग्रेस के दावेदार हैं, यानी मुख्यमंत्री के, दो नाम के सिवाय तीसरा नाम बताइए ना, यदि बता दे तो मैं जानू। अरे मेरे भाई, मैं वो छत्तीसगढ़ के कमलनाथ कॉन्टेक्स्ट तो में बोल रहा दिग्विजय के था। अलावा कोई तीसरा नाम नहीं ले पाएंगे। मैं उसको नहीं, क्लैरिफाई कर आपको देता मैं हूँ इसलिए चित्रा बता जी। दे रहा हूँ, और छत्तीसगढ़ जी में भी आप बता बोल दीजिए दीजिए दो उसको, नाम के अलावा, छत्तीसगढ़ के भी बताओ दो बताओ नाम के अलावा बता दे। मैं इसलिए आपको कह रहा जी। हूँ कि बैठ के टीवी में बोलना, हम ये पूछते रहे, मैं मध्य मैं उसका प्रदेश से क्लैरिफिकेशन पूछता रहा लेता हूँ। हूँ 2 महीने तक कि आप दो नाम बताइए, एक दिग्विजय सिंह का भी नाम लोग, चलिए इसलिए इस पर दिग्विजय ज्यादा सिंह नहीं खुद बढ़ते कहते हैं हैं, कि ठीक मैं है, इसका मैं आने इसका वाले जवाब दे वक्त उसका देता भी हूँ। फैसला चित्रा जी जब मैं लेगा। जवाब दे ठीक है, देता मैं हूँ, लौटती चित्रा हूँ जी मुद्दे मैं पर, चित्रा जी मैं मैं लौटती कहीं हूँ बोल मुद्दे रहा पर। है उनका, चित्रा जी अभी कमलनाथ वोटिंग जी जारी कह है, रहे मध्य हैं एक प्रदेश सभा में से ऊपर वोटिंग जारी सभा है, नहीं कर छत्तीसगढ़ में पाएंगे। समापन हो चुका है, लेकिन मुद्दे पर मैं एक ही लौटते लाइन में हैं। जवाब दे ठीक रहा है हूँ, सर, ठीक है, चेहरा कौन होगा एक ही लाइन इसका में जवाब आगे देना होगा, लेकिन उसके पहले मुद्दे पर लौट आते हैं कि द्वै साहब आपके एक पास लाइन में आते उसका हुए। ठीक जवाब है दे सर, देता हूँ, ज्यादा तू तू मैं नहीं, राजनीतिक पार्टियों के उलझेंगे, अभी एक ही वोटिंग लाइन, चल एक ही रही लाइन, है। एक ही लाइन, रशीद किदवई जी एक ही आपके लाइन, पास आते हुए, एक आंकड़ा है मेरे पास, भाजपा मध्य प्रदेश में, एक लाइन में बोल लीजिए, बोल लीजिए। जी। केके शर्मा जी, मैं आपको आज तक के माध्यम से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप मध्य प्रदेश गए, 2 महीना आपने इतना काम किया और जाके पूछा कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन है, भाजपा का आपने कुछ किया नहीं। चित्रा जी, मैं आपके शो पे हमेशा कहता रहता, भाजपा वाले के पास कुछ अपना रिपोर्ट कार्ड ही नहीं, जाते कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। सबसे ज्यादा प्रचार अगर कांग्रेस का कोई करता है भाजपा करती है, सबसे अधिक प्रचार। तो थैंक यू ठीक है, तो उस माननीय पे तो खुश होना प्रधानमंत्री से चाहिए लेकर केके शर्मा सर, आप और प्रचार आपको। कीजिए, और प्रचार कीजिए, आपके मुंह में घी शक्कर, कांग्रेस की सरकार आ रही है। चित्रा जी और रशि जी, प्लीज पोहा ले आइए, आप पोहा अब नहीं वोटिंग जलेबी के भी खा, आखिरी पौन आप घंटे जलेबी बचे भी हुए हैं बुला के रशीद किदवई जी, खाइए, अब आपके लेकिन पास वहां आते हुए। सरकार नहीं बन रही है। ठीक है सर, ठीक है, जलेबी की तरह बड़ी घुमावदार भी है यहाँ की जनता, जब आप उनके बीच जाएंगे तो खोलकर वो ज्यादा बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कई बार साइलेंट वोटर क्या कमाल कर जाता है, अब किसके पक्ष में वो कर रहा है मतदान, आखिरी पौन घंटे बचे हुए हैं। रशीद किदवई जी आपके पास आते हुए, एक डेटा है मेरे पास, बीजेपी मध्य प्रदेश में 12 एससी और 10 एससी सीटों सहित 56 विधानसभा चुनावों में पिछले 3 चुनावों में नहीं हारी है, जबकि कांग्रेस के खाते में ऐसी 1 एससी और 3 एसटी समेत 10 सीटें हैं, और आज चूंकि सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो आदिवासी वोटों वाला राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा उनकी बड़ी आबादी है, एक वो वोटर और दूसरा महिला वोटर, अभी तक का जो चुनावी पैटर्न है, जिस तरह से मतदान प्रतिशत आगे बढ़ा है, ये क्या संकेत कर रहा है रशीद किदवई जी? चित्र, एक तो टिप्पणी मैं ये राजनीतिक दल के दोनों प्रतिनिधियों के बारे में करूंगा कि ये कहते हैं अपना रख पराया छक, मतलब दूसरे के कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसको लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। जैसे हमारे मित्र केके शर्मा जी टिप्पणी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, और तहसीन जो है वो मध्य प्रदेश के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। दरअसल एक लीडरशिप के लिए क्राइसिस है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे हो। मुख्यमंत्री का चुनाव तो एमएलए के जरिए होता है, लेकिन अब ये राजनीतिक दलों में बहुत दिनों से परंपरा चली आ रही है कि बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करता है। तो ये एक बात है, दोनों अलग अलग दूसरे पे हमले करते हैं, जबकि दोनों राजनीतिक दलों की स्थिति कमोबेश एक है। आपने जो चित्रा बात कही वो देखिए कांग्रेस के लिए बड़ा चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी, मध्य प्रदेश में एक ऐसी 58-60 सीटें रही हैं जहां कांग्रेस कभी नहीं जीती, और उसका उसका प्रदर्शन पिछले 3 चुनाव में बहुत ज्यादा खराब रहा। तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा, मतलब 75 एक्स्ट्रा सीटें लानी पड़ेगी अगर बिल्कुल वो भाजपा को परास्त करना चाहता है, उसके लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। जब जो ट्राइबल वोट्स की बात होती है, देखिए ट्राइबल वोट में प्रधानमंत्री ने काफी प्रभाव डालने की कोशिश करी, लेकिन हम जब मध्य प्रदेश में देखते हैं, और दोनों सरकारों का मैं कहूंगा, कांग्रेस और भाजपा जी सरकारों में जो था, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, मतलब जो आदिवासी महिलाओं के खिलाफ क्राइम बहुत ज्यादा रहा, चित्रा आपको जान के हैरत होगी कि 83% लोग जो है, जो जो महिलाओं के खिलाफ जो उन्होंने अपराध किए वो बच निकले। इसी तरीके से हर 1 लाख पे 60 मतलब क्राइम होता है आदिवासियों पे। तो ये एक तथ्य है जो बड़ा डिस्टर्बिंग है, मुझे लगता है इसका जनता जो है अपने कोशिश करेगी जवाब देगी। महिला में दोनों तरफ के दावे बहुत हैं चित्रा, कोई इतने पैसे दे रहा है, उतने पैसे दे रहा है, बिल्कुल लेकिन देखिए दान से बेहतर होता है कि आदमी आत्मनिर्भर हो। तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो है वो रेवड़ी बांटने के बजाय अगर महिलाओं को सशक्तिकरण पर काम करे, ये कि सीधे खाता चला जाए, वो एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूंगा दोनों राजनीतिक दल वही कर रहे हैं, तो ये मोदी गारंटी और कमलनाथ गारंटी, बघेल गारंटी, इसमें जनता फंसी हुई है।
बिल्कुल जनता फंसी हुई है, लेकिन यकीनन इसके जरिए चुनावी जीत भी सुनिश्चित की जाती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब उसको फ्री की रेवड़ी कह लिया जाए या दूसरे शब्दों में यह कह लिया जाए कि जो कमजोर है उनको सशक्त बनाने की कोशिश, क्योंकि जब अपनी बात आती है तो फिर बीजेपी या कांग्रेस कहती है कि हम तो सशक्त बना रहे हैं, दूसरे पर उंगली उठाने की बात आती है तो कहा जाता है कि नहीं ये तो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। अब आशुतोष जी आपके पास आते हुए, चूंकि अब तक का जो वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आया है दोपहर 3 बजे तक का, वो 60% से ज्यादा है, अभी शाम तक के आंकड़े भी निकलकर सामने आ जाएंगे, जो ये बताता है कि शहरी क्षेत्र में भले ही लोग कम तादाद में निकले हों लेकिन ग्रामीण मतदाताओं ने भारी तादाद में निकलकर मतदान किया है। और बीते चार अगर मैं आंकड़े सामने रखूं और इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछूं, 2003 में 67.25% वोट मिले थे, 2008 में आंकड़ा बढ़ता है 69.28% हो जाता है वोटिंग प्रतिशत का, 2013 में यह 72 को क्रॉस कर जाता है, और 2018 में जब यहां पर बीते 3 बार की बीजेपी सरकार को हटाकर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाती है तो उस समय भी 2.5% वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, 74.97% हो जाता है। इस बार भी माना जा रहा है कि इन तमाम आंकड़ों को क्रॉस करते हुए इस बात का मत प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा, क्या इसके जरिए कोई संकेत समझे जा सकते हैं कि ज्यादा मत प्रतिशत किस पार्टी को फायदा या किसको नुकसान पहुंचाएगा? देखिए इसका दो चीजें, पहली बात यह कि एक जमाना था जब लोग कहते थे कि अगर मत प्रतिशत वोट प्रतिशत अगर बढ़ जाए तो फिर जो सरकार उस वक्त सत्ता में रहती है उसके खिलाफ एक तरीके से लोगों का गुस्सा है और वो निकलकर उनके खिलाफ जो है अपना मंतव्य जाहिर करना चाहती है। लेकिन मैं इस थ्योरी में उतना मुझे यकीन नहीं होता, क्योंकि पिछले कई सालों से, बल्कि 3-4 चुनाव से अगर आप लगातार देखें तो जो मत प्रतिशत है वो लगातार बढ़ता जा रहा, लोगों का अंदर जागरूकता भी बढ़ती जा रही है, इलेक्शन कमीशन भी उनको लगातार आह्वान करता है कि आप आइए अपने वोटों का इस्तेमाल करिए, टेलीविजन चैनल भी उनको बुलाता है कि आप आइए अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। इसलिए पूरे देश के अंदर जो मत प्रतिशत बढ़ा है वो पूरे देश के अंदर एक यूनिफॉर्म एक तरीके से। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, इसलिए वो अपने अपने जो उनके समर्थक हैं उनको वोट पोलिंग बूथ तक लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के अंदर मेरा शुरू से मानना था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति शुरू से कमजोर थी, लेकिन पिछले 1.5 महीने के अंदर ये देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ठाक तरीके से चुनाव को लड़ने की कोशिश की, और चूंकि बीजेपी के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है और साथ ही साथ उनका संगठन भी बहुत मजबूत रहता है, तो इसलिए भी वो आखिरी समय में चुनाव अच्छी तरीके से लड़ते हैं। अब यहाँ कांग्रेस पार्टी को देखना है कि क्या अपने मतों को, अपने समर्थकों को वो वाकई में अंतिम समय तक पोलिंग बूथ तक लेकर आ पाए या लेकर नहीं आ पाए। जहां तक गांव के अंदर मत प्रतिशत बढ़ने का है तो गांव के अंदर जब जब मत प्रतिशत बढ़ेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बनना चाहिए, क्योंकि गांव के अंदर ज्यादा गरीबी होती है, ज्यादा बेरोजगारी है। अगर आप CMI का डेटा उठाकर देख ले तो वो अगर निकल कर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने असंतोष को परिलक्षित करेंगे और इसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन ज्यादातर ये जो मुफ्त का ऐलान किया जाता है ग्रामीण इलाकों को वो ज्यादा प्रभावित करता है, और क्या उनको सशक्त करता है या फ्री की रेवड़ी देता है इस पर नहीं जाते हुए, लेकिन क्या ज्यादातर फायदा उन लोगों को नहीं होता है? क्योंकि अगर लाडली बहना योजना में 1250 रुपए दिए जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की ओर से और ज्यादा महिलाएं बाहर निकल रही है, क्या इसको जोड़कर देखा जा सकता है या फिर कांग्रेस के कमलनाथ का ज्यादा दावा सच निकलता है कि चुनाव है इस वजह से इन्होंने फ्री की रेवड़ी का ऐलान कर दिया, हम तो अगले 5 सालों के लिए आप लोगों को मजबूत करेंगे? देखिए ये जो फ्री की रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है ये देश की अर्थव्यवस्था को अंदर से बहुत कमजोर करता है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को, महिलाओं को खुद आगे बढ़कर श्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, नौकरी के लिए जूझने के लिए आप उनको उत्साहित नहीं कर रहे हैं। आप जाहिर सी बात है जब आप उनको पैसे देते हैं तो इसका मतलब ये कि आप उनको डिपेंडेंट बना रहे हैं, और जब भी कोई भी अर्थव्यवस्था या कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार जब अपने लोगों को डिपेंडेंट बना देती है तो फिर ये लॉन्ग टर्म में ये देश की राजनीति के लिए बहुत खतरनाक है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है फरवरी के महीने में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं देश के विकास के लिए घातक है, और आज फिर वही प्रधानमंत्री, वही भारतीय जनता पार्टी, वही सरकार उसी तरीके से रेवड़ियां बांट रही जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल ने बांटा है। तो प्रधानमंत्री जी को भी सवाल का जवाब देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के सवाल का जवाब देना चाहिए कि भाई आप ये जो रेवड़ियां बांट रहे हैं इससे आप देश का नुकसान कर रहे हैं या फिर देश को प्रगति के पथ पर आगे कर, आप 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक अगर आप खाना दे रहे हैं इसका मतलब आप मान रहे हैं ना कि देश के अंदर 80 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पे, तभी तो आप उनको खाना दे रहे हैं।